पिछले लेक्चर में हमने अकबर की धार्मिक नीति डिस्कस करी थी, जो कि सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का पार्ट है। आज हम उसी की कंटिन्यूटी में अकबर के दीने इलाही की बात करेंगे। अकबर द्वारा जो धर्म की स्थापना की गई थी, धर्म नहीं कहेंगे, एक प्रकार से एक जो आइडिया था अकबर का दीने इलाही का, उसको डिस्कस करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि अकबर ने इबादत खाने की स्थापना करी और इसमें विभिन्न धर्मों की चर्चा की जा रही थी। और अकबर ने देखा कि जब इस्लाम धर्म के सिद्धांतों पर चर्चा हो रही थी, तो उसके मौलिक सिद्धांतों में ही मतभेद था, और इस मतभेद ने उसके मन में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करी। हम कहेंगे कि वो असंतुष्ट हुआ और उसने कुछ धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से मजहर की घोषणा करी। इस्लाम के विभिन्न मतमतांतरों को देखते हुए अकबर ने यह समझा कि इस्लाम की व्याख्या करने का अधिकार अपने हाथ में लिया जाए, क्योंकि अलग अलग धर्मावलंबी इस्लाम के ही अनुयायी जब एक दूसरे के साथ बैठ के धर्म के बारे में चर्चा करते थे, तो वो अकबर के सामने ही एक दूसरे का अभद्र तरीके से विरोध करने लगते थे, जिससे अकबर बहुत आहत हुआ और फिर उसने धर्म की व्याख्या करने का जो अधिकार था वो अपने हाथ में लेने की चेष्टा करी। 1579 में फतेहपुर सीकरी की प्रमुख मस्जिद की वेदी पर चढ़कर उसने खुतबा पढ़ा, और इसी वर्ष उसने उलेमाओं के इस्लामी कानून की व्याख्या करके समस्त विशेष अधिकार अपने हाथों में ग्रहण कर लिए। उसने एक घोषणा पत्र भी उलेमाओं के द्वारा जारी करवाया, जो अकबर को शराय मुस्लिम विधि विधानों का प्रमुख व्याख्याकार और निर्णायक घोषित किया। इस घोषणा पत्र को मजहर का नाम दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर एल श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि इस इस्लामिक विधि से के प्रधान व्याख्याकार होने का अधिकार जो था वो धार्मिक अवलंबियों को उलेमाओं से छीन लिया गया था, और अब वो सम्राट को प्राप्त हो गया था। फिर अकबर ने दीन इलाही की स्थापना करी। 1782 में अकबर ने धार्मिक नेताओं, महत्वपूर्ण सरदारों, गणमान्य लोगों की एक सभा बुलाई और उससे अनुरोध किया कि कोई ना कोई ऐसा मार्ग निकाले जिससे सांप्रदायिक भेदभाव बुलाकर लोग सभी शाश्वत धर्म के सर्वमान्य सिद्धांतों का अनुसरण करें। अकबर ने ऐसा मार्ग निकालने का अनुरोध इन सभी से किया, और उसके अनुरोध के फलस्वरूप तौहीद हिंद यानी दैवी एकेश्वरवाद की घोषणा। दैवीय एकेश्वरवाद का तात्पर्य यह है कि अलग अलग धर्म वाले अलग अलग रूप में ईश्वर को देखते हैं, किंतु वो है एक ही, वो जो अलग अलग रूप में दिख रहा है वो वैसे तो अलग अलग ना होकर एक ही है। बाद में इस तौहीद इलाही को दीन इलाही यानी ईश्वर के धर्म के नाम से पुकारा गया। वास्तविकता तो यह है कि दीन इलाही कोई नया धर्म नहीं था, यह उन व्यक्तियों का समूह था जो अकबर के विचारों से सहमत थे और उसे फिर अपना धार्मिक गुरु मानने लगे थे। इसकी रचना सुलह कुल, जो कि फारसी सिद्धांत था, उसके आधार पर की गई थी, और हिंदू, जैन, पारसी सभी इसमें सम्मिलित कर लिए गए थे। इसके सिद्धांतों की हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि इसके अनुसार ईश्वर एक है और उसका प्रतिनिधि अकबर को माना गया था। अकबर को गुरु और इस धर्म के मानने वालों को उसका शिष्य माना गया। प्रत्येक रविवार को अकबर अपने शिष्यों को दीक्षा देकर धर्म में प्रविष्टि दिलाता था। दीक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपनी पगड़ी और सिर अकबर के चरणों में रखता था, तथा सम्राट उसे उठाकर उस पगड़ी को वापस उसके सर पर रखता था। इस तरह से उसे दीक्षा दी जाती थी, और जिस पर अल्लाह हो अकबर खुदा होता था, यानी एक शिस्त उसे प्रदान किया जाता था जिस पर अल्लाह हो अकबर लिखा होता था। दीन इलाही के सदस्य एक दूसरे से जब मिलते थे तो अल्लाह हो अकबर बोलते थे या जल्ले जलाल हो कहकर एक दूसरे का अभिनंदन किया करते थे।
दीन इलाही के अनुयायियों को अपने मूल धर्म को छोड़ने की, उसको परित्याग करने की आवश्यकता नहीं बताई गई थी। और ये सूर्य प्रकाश और अग्नि के प्रति श्रद्धा रख रहे थे, ऐसा उनको आदेश दिया गया था। मांस खाना उनको वर्जित करा गया था। कसाइयों और बहेलियों से, चिड़ीमारों से दूर रहने की बात कही गई थी। फिर अपना पवित्र चरित्र बनाए रखने की बात कही गई थी। हर सदस्य को जन्मदिन पर एक भोजन का दान करने की बात कही थी। ये भी कहा गया था कि इसके सदस्य जो हैं वो अपना मृत्यु भोज जो है वो अपने जीवन काल में ही दे देंगे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये इस धर्म के अनुयायी जो थे वो सम्राट को अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार थे। दीने इलाही को स्वीकार करने वाले जो लोग थे उनकी चार प्रमुख श्रेणियां बनाई गई। पहली श्रेणी में दीने इलाही के वे सदस्य थे जो हमेशा अकबर की को संपत्ति समर्पित करने के लिए तैयार रहते थे। दूसरी श्रेणी में वो जो कि सम्राट के लिए अपना जीवन अर्पण करने के लिए तैयार रहते। तीसरी श्रेणी में वो सदस्य थे जो धन एवं जीवन के साथ साथ संतान को अपनी संतान भी देने के लिए तैयार थे। और चौथी श्रेणी में वो लोग थे जो पूर्ण रूप से अपना सब कुछ अकबर को समर्पित करने के लिए तैयार थे। दीने इलाही के प्रचार प्रसार की यदि हम बात करें तो इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। अकबर के जीवन काल में ही इसकी सदस्यों की संख्या जो थी वो कम थी, सीमित थी। ना तो ये हिंदुओं में ज़्यादा प्रचलित हो पाया, ना ही मुसलमानों में। राज्य के 22 महत्वपूर्ण लोगों ने इसे स्वीकारा था। ब्लॉकमैन के अनुसार इसे मानने वालों की संख्या 18 से अधिक नहीं थी, और इसमें बीरबल ही एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने इस धर्म को स्वीकार लिया था। दीन इलाही अकबर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया था। इस तरीके से हमने देखा कि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, साथ ही साथ उसने अपने धर्म में जो कुरीतियाँ चली आ रही थी उनको समाप्त करने की कोशिश करी, और इस तरीके से भारत में एक नए युग की शुरुआत करी।